सो यार गुड गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज एक नई जगह पे बजाज का शोरूम हो रहा है जिनकी बाइकों में आग लगती है खुलेआम, और मैं आया हूँ रोलिन के साथ में। रोलिन है वो चीज़ आपको बाद में क्लियर करते हैं, एक बार पहले बाइक चेक कर लो। फ्यूल टैंक भाई बड़ी डिज़ाइनर सी बाइकें देते हैं ये लोग। और भाई वाह, आप सभी को पता है कि मैं डोमिनार से मूव करने वाला हूँ अब, तो बजाज की बाइकें तो ज़िंदगी में शायद ही कभी अब लूँ, तो देखते हैं यार चला के। वैसे मेरे को ये थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है, 225 सीसी के हिसाब से बहुत कुछ इसमें दे रखा है। मूड्स यहाँ से चेंज हो जाते हैं, आप देख रहे होंगे ये रहा मूड्स का बटन, वो रेन पे जा रहा होगा, उर्बन में जा रहा होगा। जब मुकुल की वीडियो में आप आई गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। ओ भाई सेल्फ का इसमें मेरे ख्याल से मोटर ही नहीं है। ओ भाई एक बार दोबारा से आप लोग सेल्फ की सुन लो, बैठो। ये देखो भाई, और एक हमारी डोमिनार थी भाई, मोहल्ले को पता लग जाता था कि वो स्टार्ट हुई है। तो एक बार थोड़ा सा चला के देखते हैं मेरे हिसाब की बाइक है या नहीं है। आप सभी को पता है बहुत रफ चलाता हूँ। ओ भाई क्या स्मूथनेस है यार, कसम से यार ये चीज़ बनाई है कुछ। मतलब मैं TVS की बाइकें कभी नहीं चलाई, पहली बार चला रहा हूँ, बट बजाज को बहुत कड़ा थप्पड़ देने वाली है भाई ये बाइक। भाई इसका तो लिमिटर भी बहुत लास्ट में जाके आ रहा, बट ब्रेक्स भाई ब्रेकिंग का पता नहीं मुझे कि टॉप मॉडल की और इसकी में कितना डिफरेंस है, बट अगेन ब्रेकिंग में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। अब हाथ छोड़ के देखते हैं कि बैलेंसिंग कैसी है इसकी। तो भाई USD Fork है तो बैलेंसिंग तो ख़राब होने वाली है, वो हाथ छोड़ के आप चला नहीं सकते। अब USD Fork के अंदर यही एक पंगा है। अब एक बार डाउन शिफ्ट करके देखता हूँ, तो स्लीपर क्लच तकड़ा है भाई इसका। डाउन शिफ्ट पे ना बाइक बड़ी प्यारी चल रही है। एक बार आपको दिखा देता हूँ चीज़ें क्या क्या है इसमें और क्या क्या तुम्हें मिल जाता है, तो कमेंट बॉक्स में तुम भी बताना बाइक लूँ या ना लूँ। तो भाई ये पूरा का पूरा USD Fork का सेटअप मिल जाता है। इसमें क्या क्या नहीं मिलता है सबसे पहले उसकी बात कर लेता हूँ। मेरे को डोमिनार में रेडिएटर मिलता है इतना बड़ा, इसमें छोटा सा दिया हुआ है। दूसरी बात उसमें फ़ैन मिलता है रेडिएटर के लिए, तो उसमें वो नहीं मिलता। दूसरी और कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं यार। ब्रेक की बात करूँ तो यार ब्रेक थोड़े अजीब है। अब ये नहीं पता ये ब्रांड कौन सा है, ना तो क्रेमिका है ना निफ्टिन है। ब्रेक के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, पिछले वाले ब्रेक का पता नहीं चल रहा, बट एक चीज़ पता है मुझे, ब्रेक थोड़े से हल्की क्वालिटी के है, क्योंकि ये पाइप है ना जो, ये जब तक आयरन का नहीं आता तब तक तो ब्रेकिंग में मज़ा आ ही नहीं सकता। बट अगेन इन्होंने कवर वगैरह सब दे रखा है, कवर भी कार्बन फाइबर का है, क्वालिटी अच्छी है। और भाई बाइक की भी बिल्ड क्वालिटी, ये प्लास्टिक है और ये बेसिकली लोहा है। अब यार देखो बाइक कैसी लगती है कैसी नहीं वो तो बाद की बात है। बजाज की बाइक है तो यार एक बात बताऊँ, वैसे बजाज से तो काफ़ी गुना बढ़िया चीज़ है ये, उनकी बाइकों में आग लगती है कम से कम, इनमें आग तो नहीं लगती खुलेआम। अगेन अब मीटर पे आता हूँ भाई, मूड्स आपने यहाँ पे देख ही लिए, और क्या मिल जाता है आपको यहाँ पे, ये हजार्ड लैंप का फंक्शन मिल जाता है। ये वाले भी अभी ना पन्नी चढ़ी हुई है यार, और हॉर्न कैसा मिलता है इसका, ठीक है हॉर्न भी डिसेंट है। बट अगेन आपको ना एक चीज़ का डर इसमें रहेगा, वो क्या है कि जो मीटर कंसोल है ना थोड़ा सा मतलब इसकी पोजिशन थोड़ी अजीब है। बढ़िया हो सकती थी बट ये भी बढ़िया है यार। और भाई सस्पेंशन तो गजब है, पीछे बैठने वाले भैया से पूछ लेते हैं एक बार, भैया सस्पेंशन कैसा लगा? ओके। पीछे बैठ के डल के वल के कुछ महसूस हुए? ना। मजा आया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बजाज की बाइकों में खुलेआम आग लग जावे तुम्हारी में तो नहीं लगती? नहीं। गारंटी? यही भरोसा चाहिए भाई बजाज वालों की तरह थोड़ी कि आग लग जाएगी खुलेआम बाइकों में, वो भी नई बाइक में। अब यार कटिंग देखते हैं, सबसे पहले तुम सेल्फ ना दूसरी बार सुन लो, मेरे को इसी चीज़ में बहुत मजा आ रहा है। ये देखो भाई स्टार्ट होगी पता भी नहीं चला, ये जो टिक टिक की साउंड है ना इसमें से, ये सबको पता है कि कैमशाफ्ट की आवाज़ है क्योंकि इनमें थोड़ी सी हैवी कैमशाफ्ट दी जाती है। बट अगेन भाई इंजन का रेविंग पॉइंट एक बार चेक करते हैं, परफेक्ट शिफ्ट है, 9000 RPM पे इनिशियल शिफ्ट ले रही है। और भाई मैं क्या ही बोलूँ, वाइब्रेशन तो ना के बराबर ही है, बिल्कुल ना के बराबर है यार। और भाई सस्पेंशन वगैरह, एक सबसे बड़ी बात कि सिटिंग बहुत प्यारी है, तो सिटिंग के मामले में कह सकते हो यार कि सिटिंग बहुत प्यारी है इसकी। मीटर में इसके टाइम दिख जाता है, फ्यूल इकोनॉमी दिख जाती है, कितना किलोमीटर आप चले हो ये दिख जाता है, और गियर कौन सा है ये दिख जाता है। अगेन मैं तो एक ही बात कहूँगा, डोमिनार को खा जाएगी ये बाइक जिस दिन मार्केट में आएगी, क्योंकि डोमिनार एक प्रॉपर ऑफ-रोडर नहीं है। एंड ये प्रॉपर, ओ भाई गिर गई शायद वे आंटी, ठीक है, बट रेविंग पॉइंट कोई ज़्यादा नहीं है। सो यार देखो
एक साइड स्टैंड मेरे को लगा थोड़ा सा कि थोर बढ़िया हो सकता था। तो चलो यार, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और देखते हैं यार आप कमेंट बॉक्स में आप भी बताओ आपको क्या सही लगता है। वैसे एक चीज़ बताऊँ, ब्रेकिंग इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि ABS का वायर नहीं लगा हुआ, तो ब्रेकिंग पे मत जाना। ब्रेकिंग पे जब कोई बाइक हमें मिलेगी ना स्टॉक में तब देखते हैं। वैसे मिडल मॉडल है, मिडल का मॉडल भाई। ब्रेकिंग कैसी लगी? ब्रेकिंग एवरेज लगी बाकी मुझे, बाकी चलाने में तो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वाइब्रेशन नहीं। डोमिनार में यार ब्रेकिंग तगड़ी थी। बट एक बात है ना, इसमें ABS का वायर नहीं लगा हुआ था, तो यार ब्रेकिंग को जज मत करना। ब्रेकिंग का जिस दिन ABS लगा मिलेगा ना, जब डिलीवरी लेंगे उससे पहले देख लेंगे, अगर ना लगी तो तुम्हें पता ही है, मैं तो एट ए टाइम भी छोड़ देता हूँ भाई। थोड़ी सी बस साइज में छोटी लग रही है मेरे को, और कुछ नहीं है। और बस एक रेडिएटर वाली चीज़ में तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है भाई। डोमिनार में इतना बड़ा रेडिएटर मिलता है, इसमें छोटा सा मिलता है, तो बस यही है कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ है। बट अगेन यार, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा, 20,000 का डिफरेंस है पूरे, और इसका बेस मॉडल तो सीधा 50,000 का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो देखते हैं यार क्या पिक करते हैं, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच तुम्हारा बनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और भाई वीडियो को शेयर भी कर देना।